खानदान में बने हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह कर रहा है। इसराइल समर्थक लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि अब एक बड़ी लड़ाई होने वाली है। Believe that we won today. We taught the Iranian a valuable lesson, and I believe that the rest of the world will now know that Israel will not go down without a big fight. खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर मानते कि अगला सप्ताह दुनिया के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये युद्ध तो फैलने की संभावना जो है ये पूरे दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। ऐसे में भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह फोकस दिख रहा है। आज मौका बीजेपी के घोषणा पत्र के लोकार्पण का था, लेकिन पीएम मोदी की चिंता विदेशों में रह रहे नागरिकों के प्रति थी। आज भी उन्होंने संकल्प दोहराया कि बाहर रह रहे भारतीय सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। संकट के ऐसे समय में इन क्षेत्रों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा ये हमारी प्राथमिकता है। अब एक बात और, ईरान में लगभग 4,000 भारतीय रहते हैं, वहीं इसराइल में 18,500 प्रवासी भारतीय रहते हैं। संघर्ष की स्थिति में इन्हें निकालने की तैयारी की जा सकती है। भारत ने ईरान और इसराइल से संयम बरतने की अपील भी की है। एक बात और, भारत दुनिया में हर देश के साथ वसुदेव कुटुंबकम के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि भारत के संबंध ईरान और इसराइल से अच्छे। आपको बता दें कि दोनों ही देशों से भारत का बीते साल करीब 1,00,000 करोड़ का कारोबार हुआ, जबकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2023 में इसराइल के साथ भारत ने करीब 89,000 करोड़ रुपए का कारोबार किया। इसमें करीब 70,000 करोड़ का निर्यात भी शामिल है। तो सवाल है कि क्या दुनिया में बढ़ते तनाव को खत्म करने के लिए भारत अपनी मजबूत भूमिका एक बार निभाएगा। दरअसल पिछले 2 साल से भी ज्यादा वक्त से यूक्रेन रूस में भयंकर जंग खड़ी हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई मौकों पर शांति के लिए कदम उठाने की अपील भी कर चुके हैं, जबकि भारत रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी शांति बनाए रखने की सलाह दे चुके हैं। खुद अमेरिका भी मानता है कि भारत का कद दुनिया में बड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत जंग के मैदान में उतरे देशों को समझाता नहीं तो अब तक परमाणु हमले का खतरा दुनिया में बढ़ जाता। यही नहीं, दुनिया में चाहे समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए कोई कदम उठाना हो या फिर किसी आपदा में दुनिया भर के नागरिकों की मदद करना हो, भारत ने कभी अपने हाथ नहीं खींचे। यहाँ तक कि पाकिस्तान के नागरिकों को भी हाल ही में हुती विद्रोही के कब्जे से छुड़ाया था। देखना यह है कि इसराइल और ईरान कैसे भारत की शांति का पाठ सीखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।